आपने तमाम वीडियो को देखा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन दिखाए गए हैं। आप रिंग देखिए, या आप अपनी रिंग किसी भी मौके पर अपनी फ्रेंड को दे सकते हैं, अपनी वाइफ को भी दे सकते हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितने प्यारे इसमें जरकून लगाए गए, और इसमें आप देखें कितना प्यारा सा कलर और ज्वेलरी। चाहे तो आप गोल्ड की भी बनवा सकते हैं, और आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मार्केट से भी आर्टिफिशियल भी मिल जाती हैं और गोल्ड की भी। फ्रेंड, हम आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आए हैं वो एक स्पेशल वीडियो है। ये काफ़ी बड़ी वीडियो है, ताकि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा चीज़ें पसंद करें, और आपको कौन कौन से स्टोन पसंद हैं, यानी कि जो लोग, जो सब्सक्राइबर नगीने की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं, उन्हें नगीनों से, स्टोन से बहुत प्यार होता है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत कीमती कीमती स्टोन देखते हैं, ख़रीदारी करते हैं, जैसे कि बहुत प्यारे प्यारे से कलर हैं उनके, जैसे कि एक रूबी के नाम से, एक जमरूद के नाम से। आप ये देखेगा ये कितने प्यारे हैं। मैं ऐसा ना हो मैं कोई आपको नाम गलत ले दूं, क्योंकि नगीनों की ज्वेलरी जो होती है वो जो सेलमैन होते हैं उन्हें ज़्यादा मालूमात होती है। हम तो पिक्चर से वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड, कुछ वीडियो हमारे, मेरे हस्बैंड ने नगीनों की बनाई हुई हैं, क्योंकि उनके पास वो स्टोन हैं जो कि वो सेल करना चाहते हैं, एक पार्टनर के हैं। तो दो पार्टनर जब आपस में हों तो वो ये काम कर लेते हैं। वो काफ़ी हैवी प्राइस के हैं, तो उन्होंने काफ़ी वीडियो उसकी इस पर लगाई हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब जबकि लॉकडाउन है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, मतलब बंद पड़े हैं कारोबार, घरों पे बैठे हैं जेंट्स। शुक्र है अल्लाह का, घरों पर बैठ गए हैं ताकि एहतियात करें। एहतियात भी तो बहुत ज़रूरी है, एहतियात हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, और अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, सर पर आपको कोई रुमाल या तौलिया या कुछ भी चीज़ हल्की सी गीली कर रख लेनी चाहिए, ताकि हमें मजबूरी के तहत अगर बाज़ार मार्केट जाना है तब ऐसा करें। कोशिश करें घर पर रहने की। वैसे तो मैंने देखा है सब जेंट्स बहुत कम घरों से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें लेडीज़ कम लेने जाती हैं। गलियों में तो अक्सर सब्ज़ी वाले आते हैं तो हम सब्ज़ी ले लेते हैं, बाकी बहुत सी ज़रूरियात हैं जो कि जेंट्स बाहर से लेकर आते हैं।
फ्रेंड लेडीज बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे रही हैं, उन्हें डर लगता है हम कम खा लेंगे और आप घर पर रहें, आप लोगों को कुछ ना हो जाए, आप बाहर जाएंगे तो शूज़ के साथ भी ज़रा सी मार सकते हैं, हाथ बाहर किसी के साथ ना मिलाएं। मेरे हस्बैंड बाइक पर बाहर जाते हैं, हाथों पर सैनिटाइज़र लगाते हैं और मास्क पहनकर बाहर ज़रूरी काम पर जाते हैं, शॉप पर जाना बंद। फ्रेंड जब बाहर से आते हैं तो मोटरसाइकिल की बेल की आवाज़ दूर से आना शुरू हो जाती है, यानी कि इन्होंने एक निशानी लगाई हुई है कि हमारे मोटरसाइकिल की बेल मुझे पहचान है, तो मैं फौरन दरवाज़ा खोलती हूँ और कभी वो दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। कभी गलती से हम घर पर नहीं हैं और उन्होंने लॉक खोल कर अंदर रूम में या सहन में आए तो उन्होंने लॉक खोला, सैनिटाइज़र बोतल हमारी शावर की जो है वो हमने करीब ही रखी हुई है। सबसे पहले वो मैं बाहर जब जाती हूँ दरवाज़ा खोलने तो साथ लेकर चली जाती हूँ, तो वो उनके शूज़ पर लगा देती हूँ और फिर वो अपने हाथ पर अपने मोटरसाइकिल पर लगाकर और फिर अच्छे से हाथ धो लेते हैं। तो फ्रेंड एहतियात तो ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो करना है, जो हमारी किस्मत में है, जो आपकी किस्मत में है, वो हो जाता है, मगर हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात इलाज से बेहतर है। चाहे हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप डिटॉल को एक शावर वाली बोतल में डालें, उसमें थोड़ा पानी डाल लें ज़्यादा सारा, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। आप डिटॉल का या नीम का साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई साबुन वो ऐसा नहीं है, हमारा आम साबुन नहाने वाला है, जैसे लाइबॉय है, लैक्स साबुन है, घर में हम जो भी साबुन यूज़ करते हैं, फेस वॉश है, जो भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कोई स्पेशल साबुन हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोने चाहिए। हम कोई काम करें हमें हाथ धोने चाहिए, जब हाथ धोएं तो नल को बंद करें, यानी कि हम थोड़ा सा पानी हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं, 20 मिनट हाथ को अच्छे से मलें जब तक नल को बंद रखें, क्योंकि पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, पानी का भी हमें आगे जाकर हिसाब देना होगा। और एक और बात, जब हम ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं तो हमारी पानी की जो टैंकी होती है वो भी जल्दी खाली हो जाती है, हमें बार बार टैंकी को भरना पड़ता है, बार बार हमें मोटर को चलाना पड़ता है। तो जब हम बार बार मोटर चलाएंगे तो हमारी बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो हम पानी ज़ाया नहीं करेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। ये तो आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा पानी से हमें बहुत सारी चीज़ों से बचत हो सकती है, यानी कि हम कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लाइट भी कम इस्तेमाल होगी, और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे हमारी टैंकी
बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और हमें बार बार मोटर चलानी होगी और बार बार पानी भरना होगा। तो एहतियात करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए। फ्रेंड, वीडियो पर हमें वॉइस कंप्लीट करनी है। हमें कोई टॉपिक मिल जाता है, हमारी कोशिश होती है कोई अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करें ताकि आप आगे फैला सकें, पहुंचा सकें। अच्छी बात बताना और आगे शेयर करना और फैलाना सदका जारिया है। अगर आपको कोई हुनर आता है तो आप अपना हुनर एक दूसरे को दें, क्योंकि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा हुनर हमारे पास रह के क्या फ़ायदा। हमारे हुनर से दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि हम किसी को थोड़ा सा सबक, अलिफ बे पे, यानी कि हम कोई भी अल्फाज, कोई भी सबक, ए बी सी डी, यानी कि हम कुछ भी किसी को सिखाते हैं। यानी कि कुछ बड़ी एज के बच्चे हैं जो कि जैसे काम करती हैं घरों पर, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। आप उसे एक बुक लेकर दे दें, एक पेंसिल, एक रबर, एक स्केल, कुछ ज़रूरत की चीज़ें, ताकि उन्हें एक लफ्ज़ रोज़ सिखाएं और बार बार रिपीट करवाएं कि आप इसको लिखें। यानी कि अगर हमने आज अलिफ सिखाया है और बे, यानी कि दो अल्फाज बहुत आसान हैं, बहुत ईजी हैं, तो जो बच्चे बच्चियाँ घरों पर काम करने आई हुई हैं उन्हें सिखाएंगे तो वो शौक़ से लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। इसी तरह पहले दिन आप ए बी सी सिखाएं, फिर आगे बढ़ाएं। तो इस तरह का सिलसिला करने से भी हमें नेकी मिलेंगी और इलम उनके पास जाएगा। जो बेचारे गरीब लोग हैं, पढ़ने का शौक़ रखती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हमने देखा स्टिचिंग सीखने आती हैं और वो कहती हैं हमने पढ़ने लिखने का शौक़ था, हमारी घर वालों की इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो हमें पढ़ा सकें, हमें आप थोड़ा सा सिखा दिया करें तो हम भी कुछ पढ़ने जैसे बन जाएं। तो फ्रेंड, कुछ बच्चियों को देखकर बहुत ज़्यादा तरस भी आता है। तो अच्छी बात हो, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों तो ज़रूर साथ दें। जैसे आप लोग हमारी वीडियो को देखकर हमारा साथ देते हैं, ऐसे उन बच्चों का भी साथ ज़रूर देना चाहिए। फ्रेंड, जैसे कि अब गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा, अगर गली में कोई सब्ज़ी वाला हमें सब्ज़ी दे रहा है या नहीं भी हम उनसे सब्ज़ी ले रहे या फल नहीं ले रहे, तो आप बाहर देखें अपनी विंडो से झांक कर, जाली से या दरवाज़े से, तो आप उसके पास पानी की बोतल को लेकर जाएं, गिलास लेकर जाएं। आप ये कहें आप पानी पियेंगे ठंडा, तो वो देखिए पानी भी पीकर जाएंगे और आपको दुआ भी देकर जाएंगे। तो दुआएं लेनी बहुत मुश्किल काम है, बुराई लेना बहुत आसान काम है। आप बुराई कैसे ले सकते हैं? आप गली के बाहर झांकें, कोई बाहर से गुज़र रहा है, आप उसको कुछ बोल दें या उसको कोई कंकर मार दें या कुछ भी छेड़ दें, तो वो आपको बुरा भला कहकर और बुराई देकर चले जाएंगे। और अच्छाई लेनी
नेकी लेनी बहुत मुश्किल और बहुत महंगी है। तो आप बाहर पानी पिलाएं, दुआएं लें, नेकियां कमाएं। इस तरह से हमारे रब भी खुश और हमें कितनी खुशी होती है। आप एक बार आजमा कर देखें, जब आप बाहर किसी गरीब को या किसी ज़हीफ शख्स जो फल बेचते हैं, वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, उनको अगर आपके घर पर थोड़ा खाना एक्स्ट्रा है, अगर नहीं भी है तो एक रोटी और थोड़ा सा सालन और एक पानी का गिलास, सवाब की खातिर और नेकी की खातिर उन्हें खिलाएं, और फिर आपका दिल देखिएगा कितना खुश होता है। और फिर आपका दिल चाहेगा दूसरे रोज़ आज फिर हम वही काम करते हैं जो हमने कल किया था। इस तरह से हमें आदत भी पड़ जाती है और हमारी एक एक नेकी जमा हो जाती है, कतरा कतरा दरिया बन जाता है। एक एक नेकी जमा होगी तो हमारा तराजू का पलड़ा भारी भी हो सकता है। हमें चाहिए, हमारा तराजू का पलड़ा भारी होना चाहिए, यानी कि कम नहीं। तो हमें जितना सा वक्त, जितना सा टाइम हमारे अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में दिया हुआ है, हमें नेक काम कर लेने चाहिए। आपके घर में परिंदे आते हैं या छत पर आते हैं, आप एक छोटी सी कुंडी रख लें, एक पानी के लिए रख लें और एक दाने के लिए, एक में पानी डालें, एक में अपने घर का बचा कुचा खाना डाल दें, या बाजरा आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई रोटी बची हुई है वो भी तोड़ कर डाल सकते हैं, कोई आपके राइस बच गए, पतीली धोते हैं तो काफ़ी सारे नीचे गीले होने के बाद बच जाते हैं, उसे छान कर और आप उस बॉल में डाल दें। कौवे, परिंदे, चिड़ियें जो भी खाएंगी आपको दुआएं मिलेंगी। और फ्रेंड एक और बात, जुमे के रोज़ पंसूरे में सूरे कैफ है, कुरान पाक में भी सूरे कैफ है, आप ज़रूर पढ़ा करें जुमे में एक बार। आप अगर रोज़ पढ़ सकते हैं तो आप रोज़ पढ़ें, अगर आप रोज़ नहीं पढ़ते सकते तो आप जुमे में, जुमे के रोज़ जुमा मुबारक को ज़रूर सूरे कैफ पढ़ें, अपने माँ बाप को अजर और सवाब पहुँचाएँ, हयात हैं, अल्लाह ताला को सवाब पहुँचा कर अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आखरत के लिए जमा कर लें। और अगर अल्लाह ना करे आप लोगों के वालदान ना हो तो उन्हें पढ़ पढ़ कर बख्शें, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आएगा और आपको कितनी राहत मिलेगी। सूरे कैफ पढ़ने से एक हफ्ते तक अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपनी हिफाजत में रखते हैं। वैसे तो हमेशा हमारा रब हमारी हिफाजत करते हैं, जब कोई बाहर जाते हैं हम कहते हैं अल्लाह की हिफाजत, खैरियत से जाएं और खैरियत से घर वापस आएं। इस तरह की दुआएं माएँ भी देती हैं, बीवियाँ अपने शोहरों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप यही कहते हैं, अल्लाह ताला खैर खैरियत से जाएं, फी अमानिल्ला, और खैरियत से घर वापस आएं, कोई परेशानी ना आए। रोज़ आना रात को, रोज़ यानी कि सोने से पहले 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये वीडियो पे वॉइस कंप्लीट करनी थी तो मेरी कोशिश थी कि मैं प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकूं, सुना सकूं,
और मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड, इसी तरह मेरी वीडियो कंप्लीट देखते रहें और आगे भी देखिएगा, आपको प्यारे प्यारे डिज़ाइन दिखाए जा रहे हैं और खूबसूरत हैं, कलर भी प्यारे हैं इनके, डिज़ाइनिंग भी प्यारी है और कितना लाइट सा कलर है। और आप अपने ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं, मैचिंग की चीज़ें तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, पहनने वाले का भी दिल खुश हो जाता है कि हमारी मैचिंग भी और देखने वाले का भी, तारीफ़ करते रहते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको